हेलो दोस्तों, मैं संजय राठौर, यूट्यूब चैनल फन ग्रीन गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मॉस रोज के बोनसाई प्लांट का बहुत सुंदर वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज हम मॉस रोज का बोनसाई प्लांट बनाने जा रहे हैं। मॉस रोज को हिंदी में दोपहरी बटन गुलाब भी कहते हैं। इसको 9 बजे खिलने वाला गुलाब भी कहते हैं, मिनी गुलाब भी कहते हैं। आज हम इसका सुंदर बोनसाई प्लांट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। मॉस रोज के बोनसाई प्लांट को 3 महीने पहले तैयार किया था और इसमें अलग अलग कलर की डगाले लगाई थी। डगाल के तने को मैंने मोटा रखा था और इसमें अलग अलग कलर के फूल गिरने लगे हैं। तो आपको मॉस रोज के बोनसाई प्लांट बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले हम इस तरह का एक स्टैंड बनाएंगे। स्टैंड बनाने के लिए GI तार लेंगे। GI तार इस तरह से हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाता है। GI तार को 1-1 फिट के माप से इस तरह से प्लास की मदद से काट लेंगे। ये काट लिया। इसी तरह से हमने 5 टुकड़े और काट के रखे हैं। टोटल मिला के 6 टुकड़े इसके काट लेंगे। काटने के बाद में रबड़ या किसी धागे की मदद से इसको बांध देंगे। एक बराबर करके बांध देंगे। ये बांध दिया एक बराबर 6 तार को। बांधने के बाद में इसको बीच में से एक तरफ से मोड़ दिया। ये मोड़ दिया। इस तरह से मोड़ना है पूरे तारों को। पूरे तारों को मोड़ने के बाद में इस तरह से रिंग टाइप का इसमें बनाएंगे। ये रिंग मैंने इसमें बना के रखा है, आपको देखने में आ रहा होगा पूरा रिंग पीछे से ऐसा है। सिर्फ इसी तरह का रिंग बना रहे हैं। इसके लिए एक राउंड भी लेंगे। ये गोल राउंड का भी बनाएंगे एक रिंग। ये मैं एक गोल राउंड का रिंग बना देते हैं। हाथ से आराम से आसानी से घूम के बन जाता है। इस तरह से रिंग बनाते जाएंगे। ये रिंग हम 3 बनाएंगे। ये भी इसी GI तार का बनाएंगे। रिंग को नापते जाएंगे और इस तरह से बनाते जाएंगे। इसको भी ऐसे ही काटेंगे। इसको प्लास की मदद से मोड़ेंगे थोड़ा सा और इसको इस साइड में मोड़ेंगे ऐसा। इन दोनों को इसमें फंसा देंगे और प्लास से दबा देंगे। ये मैंने दबा दिया। तार थोड़ा सा हार्ड लेना है। हार्ड तार नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। इसी प्रकार से इस रिंग में भी ऐसा ही करेंगे। इस साइड मोड़ा प्लास की मदद से, इस साइड मोड़ा प्लास की मदद से। इन दोनों पॉइंटों को मिला के प्लास से प्रेस कर देंगे जिससे जॉइंट जॉइंट खुलेगा नहीं। ये दूसरा रिंग भी बन गया है। ये पूरे तार एक तरफ एक से कर दिए हैं। पूरे तारों को ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ देंगे। ये तार मैंने मोड़ दिए हैं। मोड़ने के बाद में इसमें रिंग में दबा देंगे। ये तार मोड़ दिया है। इससे रिंग में मजबूती से पकड़ाइए और रिंग डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये एक मोड़ दिया है।
अब जस्ट इसके सामने वाला दूसरा मोड़ेंगे। ये दोनों रिंग आमने सामने के हो गए हैं। अब इसी तरह से इसके साइड वाले रिंग मोड़ेंगे। तार थोड़ा हार्ड है इसलिए प्लास्टिक मत लेना पड़ रही है। इस तरह से रिंग को मोड़ेंगे, इसके बीच में एक और रिंग रखेंगे, ये बाद में इस तरह का रिंग बन जाएगा। अब इस तरह के रिंग में किस तरह से प्लांट को लगाएंगे जिससे बोनसाई प्लांट अच्छा बने और सुंदर लगे वो दिखाते हैं। ये मैंने प्लांट बनाया था बोनसाई, और ये प्लांट लगभग 2 महीने का 3 महीने का हो गया है। अब इसमें फूल भी आ रहे हैं और घना भी हो गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। उस रोज के प्लांट से मैंने कुछ दगाले तोड़ी हैं, इसको पाटू लाका का भी प्लांट बोलते हैं, बटन गुलाब भी बोलते हैं। मैं इस तरह की दगाल तोड़ लाया था, और दगाल तोड़ने के बाद में सबसे पहले इन दगालों की साइडों की जो पत्तियाँ हैं इसको पूरा तोड़ देंगे। पत्तियाँ तोड़ने के बाद में सब दगाले तोड़ देंगे पूरी इसकी। दगाल तोड़ने के बाद इस तरह से पूरी दगाले कर लेंगे। नीचे साइड में एक भी पत्ती नहीं रहना चाहिए, इससे प्लांट का जो सुंदर लुक है वो चला जाता है। अब इन सभी डगालों को एक साथ जोड़ेंगे इस तरह से, एक बराबर करेंगे, एक बराबर कर लिया। इसमें एक रबड़ लगा देंगे, ये मैंने रबड़ लगा दिया इस तरह से। रबड़ थोड़ा ढीला बांधेंगे, और ढीला बांधने के बाद इसी में इसको अंदर से पहना देंगे। ये मैंने लगाया था, इस तरह से इसको पहना देंगे। ऐसे भी पहना सकते हैं, और चाहें तो आप इसके बीच में से भी डगाल डाल सकते हैं। यदि आपके पास लंबी लंबी डगाले हैं तो इसके ऊपर से ले लें, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, ज़रा में टूट जाता है। इसको अपन मोल्ड नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, ज़रा सा मोल्ड करने पर टूट जाता है। इसकी डगालों को मैं चारों साइड से एक बराबर करके इसमें डालते जा रहा हूँ। ये मैंने ऊपर से डाल दिया, पूरा चारों साइड से डाल दिया है। अब नीचे साइड में लाके इसको बराबर कर देंगे। थोड़ी नीचे से दूरियां बना के चलेंगे। ये दूरियां बन रही हैं, इस तरह से इसको बनाएंगे बराबर करने के बाद। पॉटूला के प्लांट को, मोथरोस के प्लांट को इस तरह से लगा के तार से इतना ऊपर रखेंगे, और इसमें रबड़ बैंड बांध देंगे। ये मैंने रबड़ बैंड बांध दी है, इसी तरह से एक और रबड़ बैंड ऊपर साइड बांध देंगे। ये मैंने 2 रबड़ बैंड बांध दी है, इसके बाद में मैं और भी बांधूंगा ऐसे कस के, उससे पेड़ अच्छा मोटा दिखे। पेड़ इस तरह की थिकनेस आना चाहिए, इतनी मोटाई आना चाहिए जब सुंदरता आती है बोनसाई प्लांट में। अब इसके बाद में जो उसकी डगाले हैं इसको इस तरह से बांध देंगे। तार लेंगे, तार का आंकड़ा बनाएंगे और इसमें पहना देंगे। ये पूरे में तार बांध देंगे, तार नहीं है तो धागा बांध देंगे, धागा बांध के इस तरह से बांध देंगे,
और फिर इस तरह का फैला देंगे, पूरा इस तरह से पूरा फैला देंगे। हम बोंजाई प्लांट बनाते हैं तो इतना खूबसूरत बोंजाई प्लांट बन जाता है। ये बोंजाई प्लांट आप देखिए, खूबसूरती के मामले में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका तना भी बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका तना इस तरह से मोटा है और इस तरह के पोट में रखा है इसको। ये बहुत खूबसूरत बोंजाई प्लांट बन गया है। इस तरह से आप भी अपने घर में बोंजाई प्लांट तैयार करें।